बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ लगातार आरोप और एफआईआर बढ़ती जा रही है। नई एफआईआर दर्ज हुई है बिहार के ईओडब्ल्यू में, जहां उसके खिलाफ मर्डर के जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। बिहार, तमिलनाडु और अब जो नए केस सामने आ रहे हैं, जो दिल्ली से जाकर एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अब साजिशें उसके खिलाफ चल रही हैं। मेरे साथ बात करने के लिए हैं देश के बड़े क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर एपी सिंह। डॉक्टर साहब, एक नई एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं देखिए, अब तो ये एफआईआर होंगी और महाराष्ट्र के व्यक्ति पटना में जाके एफआईआर रजिस्टर करा रहे, तमिलनाडु में हुई, पटना में और हो रही हैं, महाराष्ट्र के लोग करा रहे हैं, यूएपीए की बात की जा रही है, मर्डर की धाराओं की बात की जा रही है, देशद्रोह की धाराओं की बात की जा रही है। और ये तो वही ये शिकायतकर्ता हैं जिनके खिलाफ आवाज़ मनीष कश्यप उठाता था, पूर्वांचल के माध्यम से, चाहे बिहार के लोगों के माध्यम से, चाहे बिहार के लोगों का जब दर्द बाहर अन्य राज्यों में होता है, उनके साथ गलत होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके पास क्षेत्रवाद के आधार पर गलत व्यवहार होता है, तो इन सब बातों को लेकर अब महाराष्ट्र के जैसे प्रदेश के लोग, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का शासन और प्रशासन, जिसे संघ के फेडरल ढांचे के अनुसार गढ़ा गया है, वो लोग अगर मनीष के खिलाफ पटना में एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो इससे बड़ा और दुखद क्या होगा। जो महाराष्ट्र कभी भी पूर्वांचल की मैन पावर को तो स्वीकार करना चाहता है, लेबर को तो स्वीकार करना चाहता है, मेहनतकश मजदूरों को तो स्वीकार करना चाहता है, सस्ते में मजदूरी करने वाली मैन पावर को तो स्वीकार करना चाहता है, लेकिन पैसे देने की बात पर, उनके सम्मान की बात, उनके मान की बात, उनके अधिकारों की बात पर उन्हें अन्य राज्य हो जाता था, मराठी प्यारा हो जाता था, हमें मराठी प्यारा है, मराठी से बाहर को नौकरी नहीं देंगे, महाराष्ट्र के बाहर वाले को नौकरी नहीं देंगे, हम लोकल चलाएंगे, इस तरह की बातें हो जाती थी। तो ऐसे लोग अगर एफआईआर दर्ज कराएंगे, लेकिन इस पर देखना चाहिए, बिहार सरकार को देखना चाहिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव को देखना चाहिए कि हमारे व्यक्ति के खिलाफ अगर हमें कोई शिकायत थी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि साहब और भी आके उसको ऐसा करने लगेंगे। अंततः मनीष कश्यप है तो बिहार का व्यक्ति, अंततः है तो बिहार का नागरिक, अंततः है तो बिहार का मतदाता, अन्यथा है तो बिहार का यूट्यूबर, अगर यूट्यूबर भी माने, कुछ भी माने, के मुद्दे उठा रहा था, लगा बिहार के मुद्दे उठा रहा, बिहार के लोगों की हितों की बात कर रहा, बिहार के लोगों की रक्षा की बात कर रहा, और बिहारी के पूर्वांचल की बात कर रहा, जब पूर्वांचल के लोगों की बात कर रहा, पूर्वांचल के हित की बात कर रहा, तो उसमें उसके साथ बिहार सरकार को भी साथ आना चाहिए। और ये अब मामला बढ़ता जा रहा है कई अन्य राज्यों की तरफ से। हाँ, जो आप बता रहे बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब ने उठाई है कि बिहार के बाद तमिलनाडु और अब जो है महाराष्ट्र के लोग, आप समझिए शिकायतकर्ता कौन है, महाराष्ट्र के शिकायतकर्ता जा रहे हैं और बाकायदा सूचना दिल्ली से बताए जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बिहार वीक पॉइंट है। अगर आपको दर्ज करानी है तो दिल्ली में आप दर्ज कराते, दिल्ली में नहीं होगी दर्ज आपकी। इसके पीछे भी मामला है, पीछे भी मामला है, इसके पीछे बड़ा मामला है। अच्छा। अगर उन्हें शिकायत करता है जहां रहता है, जो रिडक्शन वहां का है, वहां दर्ज कराओ, दिल्ली में दर्ज कराओ, महाराष्ट्र में दर्ज कराओ। आपकी भावना तो वहीं आहत हुई होगी ना, जहां आपने देखा होगा, जहां आहत हुई है भावना, जहां आपने वीडियो देखा, जहां आप मोबाइल रखे हैं, जहां आपकी मोबाइल की लोकेशन है, जहां आपकी सीडीआर बता रही है, जहां बैठे हुए हैं, जहां आपके निवासी हैं, जहां आप कार्य कर रहे हैं, जहां आपके स्थायी निवासी हैं, जहां वर्क प्लेस है, आपने जहां देखा वहीं एफआईआर दर्ज कराइए। लेकिन वहां कराने के बजाय वहां हो रही है बिहार, पटना में। इसका मतलब वीक पॉइंट क्या है कि बिहार में कोई जाओ, पटना कोई भी जाओ, बिहार के किसी जिले में जाओ, बिहार के किसी थाने में जाओ और मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो ये किसे देखना चाहिए, ये बिहार के मुख्यमंत्री शासन प्रशासन को देखना चाहिए, उन्हें अपने व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें कोई शिकायत थी, ठीक बात है, उस शिकायत का निपटारा वो कर रहे थे, उनकी बिहार पुलिस कर रही थी, लेकिन कोई भी आके अगर इस तरह की एफआईआर दर्ज कराएगा उनके नागरिक के खिलाफ, बिहार के अपने नागरिक के खिलाफ, मनीष कश्यप जो कि उनका अपना है उसके खिलाफ कराएंगे, तो वो अनैतिक भी है,
गैर कानूनी भी है। बदनामी तो अंतोगत्वा बिहार की हो रही है, बिहार की बदनामी होगी और बिहार की बदनामी को बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बहुत रचे मझे सीखे पढ़े राजनेता हैं। तेजस्वी यादव राजनीतिक परिवार से आते हैं, जिसकी माँ मुख्यमंत्री रही, माननीय मुख्यमंत्री, जिसके पिता माननीय रेल मंत्री, मुख्यमंत्री कई कई बार रहे बिहार के। तो ऐसे लोग जो राजनीति को जन्म से, यानी कि जन्म से ही जिस राजनीति को देख रहे हैं और बिहार के मान सम्मान की लड़ाई उनके माता पिता ने लड़ी है और वो भी लड़ रहे हैं कि बिहार का नाम ऊँचा हो, बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार में सुशासन स्थापित हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, इसके लिए हर मुख्यमंत्री प्रयास करता है, उप मुख्यमंत्री प्रयास करता है। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई पद पे रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करता, वो कर रहे हैं, उनको करना चाहिए, उनकी ड्यूटी है, उन्हें जिम्मेदारी दी है, उन्हें लोगों ने वोट दिए हैं, चुना है, उनके लोगों को विधायक बना के भेजा है, वो बहुमत के आधार पर, गठबंधन के आधार पर, चुनाव के आधार पर उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो डिप्टी सीएम हैं, मुख्य उप मुख्यमंत्री बने होने के बावजूद उन्हें उनकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। अगर वो उसको जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं तो फिर कैसे होगा ये मतलब? उनके लिए तो सब तमाम लोग, चाहे उनके आलोचक हो चाहे उनके विरोधी, वो भी उनके वोटर्स हैं, उनकी जनता है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे कि अगर आपका निंदक, बुराई करने वाला, आलोचना करने वाला, सही बताने वाला आपके पास नहीं है तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। निंदक पास में होना चाहिए, विपक्षी साथ होना चाहिए। हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं चल पाती है जब तक अटॉर्नी जनरल सरकार की तरफ से अधिवक्ता महाधिवक्ता नहीं होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं चल पाती जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर पुलिस के वकील नहीं होते, तब तक नहीं प्रोसीड हो पाती है। इसका मतलब दोनों पक्ष आने चाहिए। मनीष कश्यप ने सदैव बिहार के उन दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम लोगों का पक्ष रखा, पूर्वांचल के लोगों का पक्ष रखा, उनके दुख और दर्द को अपने, जो वो कर सकते थे उसको किया है, आर्थिक रूप से मदद भी की है, सिर्फ मौखिक रूप से सहयोग नहीं किया। आर्थिक रूप से मदद एक आम नागरिक की क्षमता होती है, लेकिन उन्हें अपने तन मन धन से जो सहयोग का भाव रहा है वो एक अच्छे शहरी, अच्छे नागरिक, अच्छे पत्रकार के लिए आवश्यक है कि वो इस आशय के साथ। डॉक्टर साहब, अब विषय दूसरा बदल गया, क्योंकि बिहार में 13-14 FIR दर्ज हो रही, EOW को फिर दूसरी FIR है तमाम, तो वहां पर ही जमानत नहीं मिली, तो ये समझिए कि अब इसका भविष्य क्या होगा? नहीं, इसका भविष्य देखिए, अब ये मामला कई राज्यों का हो चुका है और मैं मिलने वाला भी हूँ माननीय देश के गृह मंत्री जी से, और विषयों पर भी मिलने वाला हूँ, अमित शाह जी से मिलने वाला हूँ और विषयों पर भी मिलना है। तो मैं इस विषय को रखना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल का शिकार हो रहा है तो देश के माननीय गृह मंत्री राजनीतिक साजिश का अगर शिकार हो रहा है तो आप इसमें CBI जांच के लिए रखें। राजनीतिक साजिश तो है ही है। तो ये कई राज्यों का जब मामला बनता जा रहा है तो उसका इलाज कौन करेगा? अब देखिए, महाराष्ट्र का एक व्यक्ति महाराष्ट्र से चलता है, फेसबुक पर चलता है, पटना पहुंचता है, फेसबुक लाइव करता है, सब चीजें देता है और कहता मैं यहाँ मिला हूँ और FIR रजिस्टर करा रहा हूँ। सीएम से मुलाकात हो जाती है, मुख्य सचिव से मुलाकात हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शिकायतों तो बोरी भर के आती, आना चाहिए। बिहार देश के लोकतंत्र में हम डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहां पहुंचना चाहिए, इसमें वो बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर माननीय गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए अपने प्रदेश के एक नागरिक को अपने पत्रकार के साथ, अपने मीडिया के जुड़े हुए व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए CBI होना चाहिए, CBI जांच हो। CBI जांच के तहत सारे केसेस, टोटल ऑल केसेस उनके हवाले किए जाए सेंटर में। मतलब आप गृह मंत्री से मिलकर मांग करेंगे कि आप इसकी CBI जांच कराएं, CBI जांच हो और CBI जांच के आधार पर ये माना जाए कि कहां कहां का क्या जुड़क्शन है। घटना एक हुई, एक झूठ या सच उनका काम है करना, एक वीडियो फ्लैश होती है एक जगह से,
जहां होती है वहां का मान लो, जहां हुई वहां का मान लो, एक जगह का मान लो, आप कई कई जगह एक ही कायदा फैक्शन पे कई कई एफआईआर दर्ज करते हैं, हर जगह अलग अलग जा रहे हैं, वो क्लब क्यों नहीं हो पा रही, वो इकट्ठी क्यों नहीं हो पा रही, उनको एक साथ क्यों नहीं किया जा रहा, उन्हें एक साथ क्यों नहीं किया जा रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहता है, हमारा देश का संविधान कहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष रहे, उनके आधार पर औरों के साथ हुआ, जब औरों के साथ हुआ है तो मनीष कश्यप क्या सौतेलापन है उसमें, क्या है, वो बिहार का नागरिक नहीं है, देश का नागरिक नहीं है, हमारे देश का मतदाता नहीं है। तेजस्वी यादव को कह दे ना कि सीएम नहीं बनने दूंगा। नहीं, वो मैं मानता हूं एक पत्रकार के नाते गलत है, नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो एक चुनाव जो विधायक का चुनाव लड़ चुका है उसके नाते ठीक है, उसके नाते ठीक है, उसके आधार पर ठीक कहा है उसने, लेकिन वो एक राजनीतिक विषय हो सकता है, लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से तो नहीं काट सकते ना। अगर गलती है, थोड़ी गलती के बदले बहुत बड़ी सजा नहीं दे सकते आप। यूपीए मर्डर, इस तरह के केस, यूपीए के भी केस में भी आरोपी बनाया, देशद्रोह के केस, मर्डर के केस, यानी केसों में अलग अलग अब चीजें जो है ऐड की जा रही है, ऐड की जा रही है, बनाई जा रही है। तो ऐसे केसेस में यही हो सकता है कि हम आगे की इसमें करें और उसको उसको आधार पे करके आगे बढ़ाएं, जिससे कि न्याय होना चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। हमारे देश का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी का, मोदी जी का, सबका क्या है, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल। सबसे निचले व्यक्ति को जब हम न्याय दे पाएंगे तो महात्मा गांधी का देश बन पाएगा, सबसे निचली कड़ी को। अब मुछे नहीं पता, खाते बंद एक सवाल है, मनीष कश्यप को किस कड़ी में रखा है, लेकिन हमारे देश का सिस्टम कहता है एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए और उसके साथ न्याय होना चाहिए। कितना न्याय हो पा रहा है, क्यों नहीं न्याय हो पा रहा है, क्या परिस्थितियां रही, क्यों उसको इतना टारगेट किया जा रहा है, क्यों उस पर इतना फोकस किया जा रहा है, जबकि एक बात तो और लोगों ने भी दिखाई, यदा कदा दिखाई, ये अन्याय जब मनीष कश्यप पैदा भी नहीं हुआ होगा तब भी महाराष्ट्र में पूर्वांचल के लोगों के साथ अन्याय होता था, हो रहा था, जब मनीष कश्यप पैदा भी नहीं हुआ होगा, गर्भाधान भी नहीं हुआ होगा, तब भी आसाम में हिंदी भाषी लोगों के साथ हत्या होती थी और साउथ में नॉर्थ इंडिया का लंबा इतिहास है, साथ लंबा इतिहास है, सीधे वहां के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं। तो क्या इसने अब गलत कर दिया, वही चीज जो लगातार, और ये भी मनीष कश्यप के बाद, तेजस्वी यादव के बाद, नीतीश कुमार के बाद, फडणवीस के बाद, शिंदे साहब के बाद, भी गारंटी नहीं है कि इस देश में क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, धार्मिक अंधानुकरण खत्म हो जाएगा। वहां महाराष्ट्र में जांच हो रही है, जहां पर हिंदी में दही नहीं लिख सकते, जहां पर मजदूरों के साथ लगातार वीडियो आ रहे हैं, वहां पर वो जांच कर रहे हैं कि इससे हमारा जो है यहाँ पर मजदूरों का जो जो है परसेंटेज कम हो गई। नहीं, ये है, श्रीनगर में ब्राह्मणों के साथ ऐसा होता, द कश्मीर फाइल्स क्या है, लोगों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन सच्चाई है, माना सच्चाई, वर्ल्ड ने माना, अवार्ड दिए उसे, क्या था, आज भी हो रहा है। अगर वहां चीज गलत है तो गलत बोलने वाले को सजा आप इस तरह देंगे, वो तो सम्मानित होना चाहिए। एक समय था इस देश में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान ने देश की आजादी की लड़ाई ली, उस समय उन लोगों को लोगों ने आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, बदमाश कहा, लुटेरा कहा, चोर कहा, डकैत कहा, कहा काकोरी कांड हुआ, बहुत चीजें हुई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। एक भाग था, एक भाग कहता था ये देशभक्त हैं, एक भाग उन्हें छुपाता था, एक देश के नागरिक उनके लिए जंगलों में, मकानों में खाना लेके जाते थे, उनके हैंडबिल बांटते थे, उनके लिए सुविधा की बात करते थे, उनके लिए लड़ाई लड़ते थे, उनके लिए खून, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, महिलाएं अपनी ज्वेलरी निकाल के आजादी जिंदगी मांगती है, खून मांगती है, दे देते थे लोग नेताजी को, सब कुछ दे देते थे, तो क्या था, लेकिन एक पक्ष उनको गलत कहता था, एक पक्ष सत्ता पक्ष, सत्ता पक्ष, आज भी दो पक्ष हैं देश में, एक पक्ष ऐसा भी है, मजबूत पक्ष है, जो मनीष कश्यप को सही बता रहा है, एक पक्ष ऐसा भी है सत्ता से जुड़ा हुआ, जो उसको देशद्रोही भी बताएगा, हत्यारा भी बताएगा, गलत, आप देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे क्या क्या नहीं चल रहा, हनन की कोशिश कर रहे हैं, उस व्यक्ति का भी हनन किया जा रहा है, चरित्र हनन, अगर उसके कोई डिफेंस में खड़ा होता है, अगर उसके लिए कोई बात करता है, अगर उसके लिए कोई पैरवी करता है, अगर उसे कोई कानूनी राय देता है, अगर उसकी कानूनी कोई हेल्प करता है, उसके लिए भी चैलेंजेस पैदा किए जा रहे हैं, चैलेंजेस किए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, कैसे कोई कर लेगा, कैसे हो जाएगा,
उसको जमानत ही नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, तो जिंदगी भर अंदर रहेगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजर लोग बैठे हैं, ऐसे भविष्यवक्ता लोग बैठे हैं, किस लिए, किस अधिकार से ऐसे भविष्यवक्ता लोग बैठे हैं, क्यों अधिकार दिया गया है? सोशल मीडिया पर अगर तुम्हें हमारी बात से इतना आपत्ति हो गई तो उन लोगों को क्या अधिकार है जो एक प्रोफेशन, लीगल प्रोफेशन को चैलेंज कर रहे हैं? अदालत का काम है जमानत दे देना, बरी कर देना, छोड़ देना, सजा देना। वकील का काम है अपनी बात को कानूनी ढंग से रखना, पैरवी रखना, कानूनी सम्मत के साथ रखना, कोर्ट की हेल्प करना। पुलिस का काम है प्रोसिक्यूशन का अपने केस को रखना, सबमिट करना। सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना काम है। उसके कार्य क्षेत्र में भी एंट्री कर रहे हैं, उनके कार्य क्षेत्र में वो लोग एंट्री कर रहे हैं, गमलों में उगे हुए लोग। बरगदों की बात करते हैं जो गमलों में उगे हैं, जिनकी जड़ें नहीं, जिनकी जड़ें जमीन तक नहीं है। उठा के 10 बार रखा जाता है दिन में। आज इधर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है, आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, उठा के गमले भरे और रख दिए। वो लोग बरगदों की बात कर रहे हैं, ये देश के लिए गलत है। इतनी आजादी भी देश में नहीं मिलनी चाहिए कि बने हुए सिद्धांतिक ढांचे, सिद्धांतिक सिस्टम, उसके प्रोसेस को लोग अपने हिसाब से। लेकिन अब आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं इस पर। सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, यही समस्या का इलाज है इसका। बिना सीबीआई जांच के बहुत एक व्यक्ति के साथ अनजस्टिस हो जाएगा, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। स्वतंत्र आवाज को दमन का जो ये जो प्रोसीजर, राज्य सरकार की एजेंसियों की जांच पर सवाल उठते हैं। सीबीआई क्या हमारी जांच एजेंसी है? सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन हमारे देश की है, हमारे देश के खून पसीने की पैसों से सीबीआई का सब प्रोसेस चलता है उनको। तो हमारे देश में जब कहीं राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग हो, 2-3 राज्यों की बात आए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, सीबीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए और माननीय केंद्र सरकार को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि लोगों की जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय गलत नहीं होना चाहिए, उनकी भावनाओं के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि इस मामले में कई राज्यों से कई शिकायतकर्ता सामने आए और आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आरोप अब मर्डर और यूएपीए तक पहुंच गए हैं। तो इसमें अब जरूरी है कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन इस मामले को हैंडल करे और सच्चाई सामने लाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।